नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए और मुख्य समाचार जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह बने रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 37 नए पॉजिटिव मामले, विदेशों से लौटे 3 संक्रमितों के परिजनों का भी होगा कोविड टेस्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 37 नए मामले आए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 536 रह गई है। हालांकि राहत की खबर है कि कोरोना से शुक्रवार को किसी संक्रमित की जान नहीं गई है। उधर विदेश से हिमाचल लौटे कोरोना पॉजिटिव 3 लोगों के परिजनों के भी टेस्ट लिए जाएंगे। पॉजिटिव लोग परिवार के जिन सदस्यों से मिले हैं उनके टेस्ट भी होंगे। सभी लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहेंगे। ओमिक्रॉन की आशंका के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने जिला मंडी और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट किया है। बाहर से आने वाले लोगों की सैंपलिंग करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि विदेश से लौटे मंडी जिले के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है। ओमिक्रॉन की आशंका के बीच तीनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। फिलहाल तीनों होम आइसोलेट हैं। वहीं रूस से लौटा हमीरपुर का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ओमिक्रॉन की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्ति का सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा है। मनाली और भरमौर में सीजन की पहली बर्फबारी, शिमला में शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही शुक्रवार को मनाली शहर और भरमौर मुख्यालय में इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ गया है। शुक्रवार तड़के संजोली और नारकंडा में बर्फ के फाहे गिरे। पर्यटन स्थल कुफरी फिर सफेद हो गया। डलहौजी की लक्कड़ मंडी, डैन कुंड, कोठी और रोहतांग भी बर्फ से लकदक हो गए हैं। मैदानी जिलों में धुंध पड़ने से वाहनों की आवाजाही सुबह और शाम के समय प्रभावित हो रही है। न्यूनतम तापमान गिरने से सड़कों पर पानी जमने लगा है। शुक्रवार को केलांग में अधिकतम तापमान भी माइनस में पहुंच गया है। केलांग में अधिकतम तापमान -4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 21 दिसंबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को सोलंग नाला से आगे पर्यटक वाहन नहीं भेजे गए। सैलानी अटल टनल के दीदार से महरूम रहे। स्थानीय समेत लाहौल स्पीति और पांगे के लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भरे जाएंगे 34 पद। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें मनोचिकित्सक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, MOA एंटोमोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, IEC कंसल्टेंट और ग्राफिक डिजाइनर कम सोशल मीडिया मैनेजर के पद शामिल हैं। इन पदों को साक्षात्कार के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट www.nrhmhp.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन पत्र इस वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2021 तक या इससे पहले शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संभावित अकादमिक शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संभावित अकादमिक शेड्यूल तय कर लिया है। इसमें PG कोर्स और अपने संस्थानों के UG कोर्स की प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग कक्षाओं से लेकर परीक्षा और अवकाश की तिथियों के साथ पूरा शेड्यूल जारी किया है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सत्र 2022-23 1 मई तक PG कोर्स की होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और मेरिट आधार पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से सत्र की शुरुआत होगी। 11 जून को डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन भरे जा सकेंगे। VV के प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं 17 मई से शुरू होंगी जो 1 जून तक चलेंगी। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। -डिग्री तापमान में आइस हॉकी रिंग में उतरे खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में -डिग्री तापमान में काजा आइस हॉकी रिंक में 395 खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। हार्ड कंपा देने वाली ठंड में ये खिलाड़ी 24 दिसंबर तक प्रशिक्षण लेंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है। हालांकि प्रशिक्षण शिविर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें बिगनर, बेसिक और एडवांस श्रेणी शामिल है। शिविर में अलग अलग समूहों में प्रतिभागी रखे गए हैं। इन्हें आइस हॉकी की बारीकियां राष्ट्रीय कोच अमित बेलवाल सिखाएंगे। कला अध्यापक की भर्ती के लिए काउंसलिंग का स्थान बदला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने कला अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग के स्थान में बदलाव किया है। पहले निर्धारित डाइट धर्मशाला के स्थान पर अब यह काउंसलिंग नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में होगी। काउंसलिंग 20 दिसंबर से शुरू हो रही है। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 20 दिसंबर को जिला कांगड़ा, 21 दिसंबर को जिला मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, 22 दिसंबर को चंबा, ऊना, शिमला, सोलन व 23 दिसंबर को हमीरपुर, बिलासपुर व सिरमौर जिला के अभ्यर्थियों काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर हिमाचल ने रचा इतिहास।
विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। हिमाचल टीम ने अपने पूल में टॉप किया है। टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला जयपुर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीमों में होने वाली भिड़ंत की विजेता से होगा। बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले हिमाचल क्रिकेट टीम के हेड कोच अनुज पाल दास का कुशल मार्गदर्शन हिमाचल क्रिकेट के लिए सौभाग्यशाली रहा है। हिमाचल की क्रिकेट टीम ने गत माह दिल्ली में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चुनौतियों का सामना करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल तक अपनी दौड़ को जारी रखा। पूर्व रणजी प्लेयर और बीसीसीआई लेवल 3 कोच बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर के रहने वाले हैं। हालांकि वर्ष 2008 में हुई देवधर ट्रॉफी में उतरी भारत की टीम में शामिल विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, ईशान शर्मा, आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के कोच रह चुके हैं। अब अनुज पाल HPCA में बतौर हेड कोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छठी से आठवीं के 1000 सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के छठी से आठवीं कक्षा के 1000 सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने की तैयारी है। राज्य शिक्षा विभाग ने स्टार्स प्रोजेक्ट के सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की वर्चुअल बैठक में केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव बताकर 40 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। पहली से पांचवीं के विद्यार्थियों को स्पेशल प्रैक्टिस वर्क बुक्स देने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार की अध्यक्षता में हुई PAB की बैठक में प्रदेश शिक्षा सचिव राजीव शर्मा और समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक वीरेंद्र शर्मा ने भाग लिया। 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाए जाने वाले वोकेशनल विषयों के लिए विद्यार्थियों को छठी कक्षा से ही तैयार किया जाएगा। 23-24 फरवरी को हिमाचल में हड़ताल करेगा सीटू। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक शुक्रवार को प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में हुई। महासचिव प्रेम गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार के देश, जनता, कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ मिलकर 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। इसमें मजदूर संगठन सीटू भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का अनुसरण कर रही है। केंद्र सरकार ने केवल 2600 रुपये मासिक वेतन लेने वाले मिड डे मील वर्करों के वेतन में पिछले 12 वर्षों से एक भी रुपये की बढ़ोतरी नहीं की है। कोरोना काल में शानदार कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के मुकाबले केवल आधा वेतन दिया जा रहा है। ICDS के निजीकरण की साजिश रची जा रही है। कोरोना योद्धा आशा कर्मियों का भारी शोषण किया जा रहा है। मनरेगा और निर्माण मजदूरों को हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के आर्थिक लाभों व रोजगार से वंचित किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को 12 घंटे की ड्यूटी का मात्र 3000 से 9000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। CM आवास के आसपास बन गया कर्फ्यू जैसा माहौल, घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। राजधानी में तेंदुए का खौफ कम नहीं हो रहा है। आए दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में तेंदुआ नजर आ रहा है। वहीं अब CM आवास ओकओवर के पास तेंदुआ नजर आया है। शुक्रवार को सुबह से ही एक महिला ने तेंदुआ देखा। महिला सुबह ही जैसे घर से बाहर निकली तो साथ ही झाड़ों में तेंदुआ देखकर महिला वापस घर के अंदर भागी। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी रात को घरों के बाहर तेंदुआ देखा। तेंदुआ नजर आने के बाद आसपास के लोग में खौफ का माहौल बना हुआ है और प्रशासन ने तेंदुआ पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी शिकायत भी की है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।